मैंने एक फोन खरीदा है दोस्तों, देख रहे हैं, सोचा आप लोगों को बता दूं। वीवो का है Y95। मैंने पहले से इसे खोल दिया, ऐसा नहीं है कि मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देख रहे हैं, मुझे अच्छी लगी और मुझे कैमरा क्वालिटी चाहिए था, तो इसमें कैमरा क्वालिटी अच्छा है, अब से आपको वीडियो क्वालिटी सही मिलेगी। पहले मेरे पास था रेडमी नोट 5 प्रो, तो वो भी ठीक ही था, बट वो हैंग कर रहा था कुछ दिनों से, वीडियो बनाते बनाते बीच में ही हैंग कर जाता था, तो दिक्कत हो रहा था मुझे, तो मैंने उसे बेच दिया 8,500 में। और मैंने उसे ख़रीदा था 16,000 में फ्लिपकार्ट से, इसे मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया, इसे मैं दुकान से ही ख़रीदा हूँ। तो इसके साथ मुझे हेडफोन भी मिला, पहले तो हेडफोन नहीं मिला था नोट 5 प्रो के साथ। और ये इसका चार्जर है, डाटा केबल। इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल है, तो मुझे फ्रंट से उतना काम भी नहीं पड़ता, रियर का ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा। देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बताना कैसा है। मैंने जियोमी का मोबाइल 2 साल से यूज कर रहा हूँ। नोट 4 मैंने 2 बार ख़रीदा, उसके बाद नोट 5 ख़रीदा, तो मैंने सोचा कुछ चेंज करना चाहिए। मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे आईफोन ले लो, बट बजट नहीं था उतना, आईफोन लेने से नहीं होता है उसका, अगर मेरे दुकान में गिर जाती, चोरी हो जाती, तो बहुत तरह की बात हो जाती। ये उतना अमाउंट का नहीं है, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर, क्योंकि मैं दुकान छोड़ के भी इधर उधर चला जाता हूँ, ये दुकान में ही रखा हुआ रहता है, इसे मैं उतना यूज नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर कीपैड यूज करता हूँ, कीपैड फ़ोन छोटा सा फ़ोन है। इसका कैमरा क्वालिटी ठीक है, मुझे उससे अच्छा लगा। तो मैं कुछ दिन से एक्टिव भी नहीं था यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था जाकर ख़रीदने का। तो कल मैंने रात में, मैं जल्दी से दुकान बंद करके 9 बजे रात में गया और इसे खरीद के आया। बाज़ार हमारे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, हम लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो इसका ये फुल डिस्प्ले है, फुल स्क्रीन, और वीवो का मोबाइल है। 4030 mAh इसका बैटरी है इसका, और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है इसका। बाकी तो मैं यूज करूँगा तभी पता चलेगा कैसा है, MI से अच्छा है या उससे ख़राब है। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, तो मैंने इसे परचेज कर लिया है। तो चलिए, ओ मैं तो ये बताना भूल ही गया आपको, इसका प्राइस, इसका प्राइस मुझे पड़ा 17,000 रुपया। इसका लिस्ट है शायद 18,990 रुपया प्राइस है इसका, बट मुझे 17,000 रुपये पड़ा, 17,300 रुपये बोल रहे थे, कम हो गया, दिक्कत नहीं। तो मैं अब इससे वीडियो बनाऊंगा, तो आज ही मैं एक वीडियो पब्लिश करूंगा, मेरा डाला हुआ है। चलिए, मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये मोबाइल मैंने लेकर ठीक किया या सही नहीं किया।